तीन तलाक के दर्द से बेटी को न गुजरना पड़े, इसके लिए नागपुर में एक पिता ने बेटी के निकाहनामे में अपनी तरफ से एक शर्त जोड़ी है। शर्त है, दूल्हा या दुल्हन एक बार में कभी भी तीन तलाक नहीं बोलेंगे। ये है मोहम्मद अयूब खान। अयूब खान नागपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बिटिया का निकाह किया। अपनी बेटी के निकाहनामे में उन्होंने ऐसी शर्तें जुड़वाई जिससे उनकी बेटी को दूसरी मुस्लिम महिलाओं की तरह तीन तलाक का दर्द ना झेलना पड़े। इस निकाहनामे पर नजर डालिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि दूल्हा और दुल्हन एक बार में तीन तलाक नहीं देंगे। वैसे ही अगर दुल्हन ने कभी भी तलाक मांगी तो बिना किसी शर्त के तलाक यानी खुला दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी शर्त जोड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अयूब खान ने खुद ही इसे लागू कर दिया। जो इस्लाम का तरीका है उसी तरीके से एक्सेप्ट होगा। अगर उसके नियमों को उल्लंघन करके कोई करता है तो हमने दोनों इस पार्टीज ने ये मतलब अपने आपसी समझ से किया कि इसको उल्लंघन करके होता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस नई पहल में मोहम्मद अयूब को लड़के के परिवार का पूरा सहयोग मिला। इस शर्त को उनके दामाद ने भी सराहा। हमने लड़के को पूछा, उन्हें कहा कि भाई जो भी इस्लाम के हित में सही है, समाज के हित में सही है, राष्ट्र के हित में सही है वो करें। जो कहा कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है तो ठीक है। अयूब खान की बेटी अपने पिता और ससुराल पक्ष के इस कदम से बेहद खुश है। मेरे निकाहनामा में जो एक क्लॉज है तो मेरे फादर के साथ साथ मेरे फादर इन लॉ का बहुत एक स्टैंड सपोर्ट था कि ये क्लॉज शामिल करना चाहिए। मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक देने के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसकी वजह से कई महिलाओं की जिंदगी बिखर गई। एक बार में तीन तलाक की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में मई में सुनवाई पूरी हो चुकी है जिस पर जल्द फैसला आने वाला है। नागपुर से सरिता कौशिक की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।